मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि काइंडली एक्सप्लेन आइंस्टाइन इक्वेशन, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। इस छोटी सी इक्वेशन ने, ये बज़ाहिर देखने में जितनी सादी है, ये इतनी सादी है नहीं, इस इक्वेशन ने दुनिया को समझने का अंदाज ही बदल के रख दिया, साइंस की बुनियादें हिला कर रख दी। तो आखिर इस इक्वेशन में इतनी में क्या है? देखने में तो इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ये भी मैं आपको अगले चंद मिनटों में ही एक्सप्लेन करता हूँ, सारी सिचुएशन आपको क्लियर हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो आप ये देख लें कि यहाँ पे जो ई है ये इनर्जी, एम जो है वो मास है, और सी जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है। न्यूटन के मुताबिक आप इनर्जी कंजर्वेशन और मास कंजर्वेशन दोनों का ला अलग अलग लिखते हैं। यानी न्यूटन ये समझता था कि इनर्जी अलग चीज़ होती है और मास अलग चीज़ होता है, लेकिन 1905 में आकर जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो है वो न्यूटन की थ्योरी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो आइंस्टाइन ने ये कंसेप्ट दिया कि इनर्जी मास में और मास इनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमेशा आपने ये याद रखना है कि ये काम हो रहा है रिलेटिव टू, क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। एवरीडे ऑब्जेक्ट में, एवरीडे लाइफ में आपको इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। इन फिनोमिना को, इन सिचुएशंस को आपने समझना है तो क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट जो लैब स्केल के ऊपर पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में एटॉमिक पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स मूव करते हैं उनकी तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी गई, क्योंकि इसने राहें खोली नई फील्ड्स की कि यानी अगर आपके पास 1 ग्राम मास भी हो, चले सिंपली करेंगे 1 किलोग्राम कर लेते हैं, 1 किलोग्राम अगर आपके पास मास है तो 1 किलोग्राम से ही आपको एनर्जी मिल रही है 9×10^16 जाउल। ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो 1 किलोग्राम से आप हासिल कर रहे हैं। तो यहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी की बुनियाद बनी, यही इक्वेशन बुनियाद बनी एटम बम बनाने का, यही इक्वेशन बुनियाद बनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का। और इसी इक्वेशन का एक अच्छा खासा किरदार था जो जापान के ऊपर बम गिराए गए, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब मास इनर्जी में और इनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, ये मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। याद रखिएगा, ये आइंस्टाइन ने ये क्वेश्चन दी 1905 में। पेयर प्रोडक्शन का एक फिनामिना आपने पढ़ा होगा, ये फिनामिना आया था जी 1933 में, कि जब एक न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड के करीब से कोई हाई एनर्जी फोटॉन गुजरता है, वो फोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन की तरह ही है, बस इसका चार्ज पॉजिटिव होता है। अब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या है? ये है जी मटेरियल पार्टिकल है। फोटॉन का है ये एनर्जी का पैकेट है, इसका कोई मास नहीं होता। तो यहाँ एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे देखें, आइंस्टाइन ने 1905 में अपनी थ्योरी में प्रपोज किया था, ये 1933 में आके प्रूफ हो गया। उससे आगे चलिए, क्या मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है? जी हाँ, आपने पेयर एनिहिलेशन पढ़ा है, ये फिनामिना भी 1933 में ही डिस्कवर हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो कि अपोजिट चार्ज पार्टिकल हैं एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या होता है, इनसे ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय होने के बाद ये दो फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए जाते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये जो पॉजिट्रॉन है, ये है जी मटेरियल पार्टिकल, मैटर कन्वर्ट किस में हो रहा है? फोटॉन्स में, एनर्जी में। तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी प्रूफ हो गया। तो आइंस्टाइन के जो पॉस्टुलेट्स हैं ये वक्त के साथ साथ बेहतरीन तरीके से प्रूफ हुए और इन्होंने नई डायरेक्शंस खोली है। अब थोड़ी हम कंसीक्वेंसेस की बात करें कि इस इक्वेशंस के क्या क्या असरात आए, ये इक्वेशंस ने क्या क्या गोल खिलाए। पहली चीज़ तो ये है कि इसने मास एनर्जी कन्वर्जन का कंसेप्ट दिया, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से, ये पेयर प्रोडक्शन पेयर एनिहिलेशन की मदद से, कि मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है।
दूसरी चीज़, यहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी का जन्म हुआ। एक बहुत ही कम अमाउंट ऑफ मास कन्वर्ट हो जाता है बहुत बड़ी एनर्जी के मिकदार में। इसको आप ऐसे समझिए कि एक किलोग्राम U-235 से हमें जितनी एनर्जी मिलती है उतनी एनर्जी हमें देता है 2500 टन कोल। फर्क अंदाज़ा लगाएं, 25 लाख कोल से जितनी हमें एनर्जी मिल रही उतना एक किलोग्राम U-235 हमें दे रहा है। तो ये है इस इक्वेशन की पावर। इसका प्रूफ आपने देखना है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं। इस इक्वेशन की मदद से हमें कायनात की तख्लीक को समझने में मदद मिली। एनर्जी, मास, इनका आपस में रिलेशन और एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स कि कायनात किस तरह एक्सपेंड कर रही है, ये कंसेप्ट इसी इक्वेशन की मदद से हम एक्सप्लेन करने के काबिल हुए। हाई एनर्जी फिजिक्स में इसकी बड़ी एप्लीकेशंस हैं। बिग बैंग थ्योरी, वो हम इसी इक्वेशन की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। चौथा ये कि मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, जिस तरह आप ये हीलियम का न्यूक्लियस देख रहे हैं, इसमें जो ये जो बना हुआ है दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स हैं। अब हीलियम के जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स, इनका मास ज़्यादा होता है बनिस्बत हीलियम न्यूक्लियस के, क्योंकि कुछ अमाउंट जो है वो बाइंडिंग में न्यूक्लियस को संभाल के रखने में इस्तेमाल हो जाती है। तो इस इक्वेशन के बेतहाशा असरात आए, इसने एक नई दुनिया ही खोल दी। यहीं से मॉडर्न फिजिक्स की बुनियाद रखी गई। तो आज की वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की कि जो हमारे स्टूडेंट ने पूछा कि E=mc² का मतलब, वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू, गुड बाय।